अस्सलामुअलैकुम टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं असमा आसिफ। खबर शामिल करते हैं। हवेली लखा में पाकिस्तान की गोल्डन जुबली जश्न आज़ादी मनाने के लिए जगह जगह स्टॉल्स लग गए। हमारे नुमाइंदे गुलजार फहीम सुखेरा इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हैं, उनसे तफसील जानते हैं। जी फहीम, आगाह कीजिएगा। वतन अजीज़ के दीगर शहरों की तरह हवेली लखा में भी जश्न आज़ादी मुबारक की तकरीबात को मनाने का सिलसिला अरूज पर है और जो लोग हैं वो अपने घरों को सजाने के लिए बैनर वगैरह खरीद रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिला में खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, यौम आज़ादी को मुकम्मल हुए पाकिस्तान में 75 साल हो गए हैं, तो हम भी अपने बच्चों के साथ ये झंडियाँ और झंडे वगैरह और मुख्तलिफ बैनर्स जो बच्चे मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो ख़रीदने आए हैं और बच्चे बड़े पुरजोश हैं। पाकिस्तान बड़े मुश्किलों से हासिल किया गया है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर इसको हासिल किया है, तो हमें चाहिए कि इसको भरपूर तरीके से मनाएं और साथ परचम की जो हुरमत है उसका भी ख्याल रखें। जब घर में परचम वगैरह लगाएं या झंडियां वगैरह लगाते हैं तो उसको जब उतारें तो उसको संभाल कर रख लें, ना कि वो गलियों में पाँव के नीचे आती रहें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना शहरियों का कहना था कि इस मरतबा गोल्डन जुबली तकरीबात मनाने के लिए हम पुरअज़म हैं। जी।